कल विराट कोहली ने अपने ट्विटर पे फोटो डाला कि अब वो T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 कैप्टनशिप से वो निकल जाएंगे। तो अब क्या, तो टी उधर उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि रोहित शर्मा हमारे T20 के अगले कैप्टन होंगे, और वाइस कैप्टन का भी उधर कुछ नहीं लिखा है। तो आपको क्या लगता है कैप्टन कौन होगा टीम इंडिया का? कैप्टन मोस्टली रोहित शर्मा ही होंगे, क्योंकि अगले साल ही T20 वर्ल्ड कप है और इतने जल्दी इंडिया के पास इतना कोई एक्सपीरियंस कप्तान भी नहीं है जो कि लीड कर सकते हैं इंडियन टीम को। देखिए, हर बार एक्सपीरियंस के साथ हम जा नहीं सकते, क्योंकि 2007 में एमएस धोनी को भी कैप्टन बनाया था। तो एमएस धोनी और ऋषभ पंत, तो क्या तब ऋषभ फर्स्ट पंत, ऋषभ पंत तो अभी 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 कैप्टनसी स्टार्ट की, मेरे को नहीं उन्होंने लगता ऋषभ पंत का सात गेम्स चांस उन्होंने है, सिर्फ कैप्टनसी किए उन्होंने। पर शायद से वो केएल राहुल, मेरे को लगता है कि वो कैप्टन हो सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल पंजाब किंग्स के लिए भी कैप्टनशिप कर रहे हैं, और वो बहुत कैप्टनसी का वो प्रेशर के साथ वो बहुत अच्छी इतना बैटिंग भी कर रहे इतना हैं अच्छी, पंजाब में। लेकिन कैप्टनसी उनकी है नहीं। 2020 बिल्कुल, आईपीएल में भी उन्होंने प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंचाया टीम को। 2021 में भी अब बहुत देखिए, हार्ड लग हर रहा बार है, प्लेऑफ्स तक सिक्स्थ पहुंचाना नहीं पोजीशन। होता, पर वो प्रेशर के साथ वो अच्छी बैटिंग भी करना सबसे लेकिन बड़ी हमने देखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। रोहित शर्मा ने 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई है, फिर निदास ट्रॉफी भी जिताई है, फिर एशिया कप भी जिताया है इंडिया को, और एक देखिए, वो सीएल तो टी मुंबई ट्वेंटी इंडियंस के पास बहुत अच्छी टीम ही टीम। और देखिए, एक सीएल T20 भी जीता है। जो 5 ट्रॉफीज की आप बात कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस की टीम के पास इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि बाकी किसी टीम के पास उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं थे। स्टार्टिंग में तो नहीं थे, अभी अभी स्टार्टिंग में 2013 तो थे सचिन में कौन था, थे। लेकिन सचिन तो ज़्यादा गेम्स खेले ही नहीं थे देखिए, बड़े बड़े प्लेयर्स तो थे तब भी मुंबई के पास, पोलार्ड थे था, लेकिन पोलार्ड से ज्यादा और क्या चाहिए टीम जैसे को। अभी जो टीम है मुंबई इंडियंस की वैसे उतनी स्ट्रांग नहीं थी देखिए, पहले। 17 और 19 में तो थे बड़े बड़े प्लेयर्स, फिर 20 में भी थे, 20 में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मुझे लगता है मुंबई उन्नीस इंडियंस भी थी, उस और उन्नीस में 19 भी में भी स्ट्रांग ऑलमोस्ट वही थी। थी, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अब 19 ही है। 19 में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थी मुंबई इंडियंस, बिल्कुल और स्ट्रांग तो 20 में भी, थी, और अब 2021 में भी बहुत स्ट्रांग लग रही है। बिल्कुल स्ट्रांग तो है अभी, पर कैप्टन का रोहित लेकिन शर्मा उन्होंने मोस्टली कैप्टन, मेरे अंडर को प्रेशर भी होते हैं, जब एकदम बहुत लो स्कोर डिफेंड करते तब भी देखिए, डिफेंड कर लेते हैं। रोहित शर्मा 100% मेरे को लगता है कि कैप्टन बनेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा से ज़्यादा कोई कैप्टनशिप डिजर्व नहीं करता इधर। बिल्कुल, और फिर उन्होंने अगर होना ही है तो श्रेयस अय्यर ने तो केएल राहुल के बीच में हो सकते लेकिन हैं, हम वो पर शायद हंड्रेड परसेंट वाइस बिल्कुल कैप्टन के ऑप्शंस वाइस होंगे कैप्टन कि पे सबसे बड़ा डिबेट होने वाला है। श्रेयस अय्यर, फिर केएल राहुल, ऋषभ पंत, और शायद बुमराह का कौन भी एक रहेगा, बुमराह का भी नाम आ रहा था। कौन होगा वाइस कैप्टन? श्रेयस अय्यर की तो पहले 15 में भी जगह नहीं है, वो क्या बिल्कुल करेंगे श्रेयस कैप्टनशिप, अय्यर, वो क्या करेंगे क्योंकि वाइस सूर्य कुमार कैप्टनशिप? यादव आ गए हैं टीम में, इसलिए श्रेयस अय्यर का फिक्स नहीं है स्पॉट, इसलिए मैं मुझे लगता है श्रेयस अय्यर नहीं होंगे। और केएल राहुल का ओडीआई में मोस्टली स्पॉट फिक्स हो गया है, लेकिन अब उधर भी सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं ओडीआई में पर मिडल ओडीआई ऑर्डर में नहीं में, आ सकते, और केएल राहुल श्रेयस ने बहुत अच्छे से टाइट कर लिया जगह। बिल्कुल कर आप ली बोलोगे है। सूर्य कुमार हर जगह आएंगे, क्योंकि लेकिन मुंबई इंडियंस का ये बहुत बड़े फैन है, तो सूर्य कुमार हर जगह नहीं आ सकते, केएल लेकिन देखिए राहुल का स्पॉट नहीं छीन सकते। आप ऐसा कह रहे बिल्कुल हो मैं ऐसा कि नहीं कह विजय रहा, शंकर आएंगे, हार्दिक पांड्या का स्पॉट ले जाएंगे। देखिए लेकिन मिडल ऑर्डर में अब इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि सूर्य कुमार यादव, फिर श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और केएल राहुल, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है केएल राहुल आगे है। और T20 में हालांकि उनकी स्पॉट फिक्स नहीं है, क्योंकि विराट किसका केएल राहुल का एकदम, कुछ भी लेकिन बोलोगे अच्छा, आज कुछ भी बोलने के मूड में है। देखिए केएल राहुल अगर विराट कोहली ओपनिंग करने स्टार्ट कर दिए तो केएल तो राहुल केएल राहुल उसके को मिडल ऑर्डर में डाल मिडल ऑर्डर में देंगे? डाल सकते हैं, लेकिन अगर श्रेयस अय्यर भी आ गए तो उधर देखिए, केएल राहुल से अच्छा ओपनिंग कौन नहीं कर सकता, वो बस एक मैच बिल्कुल का था। केएल राहुल मोस्टली ओपनिंग ही करेंगे, और T20 में और ओडीआई दोनों में वाइड बॉल में उनका स्पॉट फिक्स है, लेकिन अब तो टेस्ट में भी टी है, ट्वेंटी में अगर उनका फॉर्म अगर कुछ डीप हुआ तो शायद स्ट्रेटेजिक मूव, जैसे विराट कोहली ने ओपनिंग किया था तब एक दो गेम्स के लिए हो सकता है ऐसा। एक दो गेम। आपने क्या बोला कि विराट उधर केएल राहुल की जगह ही कंफर्म नहीं है, और विराट कोहली आके बैटिंग करने लग जाएंगे ओपनिंग में? देखिए अब कुछ कह नहीं सकते इंडियन टीम का, क्योंकि जैसे कुछ कह तो धोनी, नहीं सकते, क्योंकि विराट कोहली देखिए धोनी का भी हम किसको पता था कि वो मेंटर बन जाएंगे इंडियन टीम के। बिल्कुल। पर मोस्टली आपको क्या, आपका लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, वाइस कैप्टन कौन होगा? लगता है केएल राहुल ही होंगे, हाँ बस, और बुमराह का भी एक ऑप्शन आया था, मैंने न्यूज़ में तो देखा आपको था। क्या लगता है वाइस कैप्टन को टीम से स्ट्रैटेजिक मूव के लिए ड्रॉप कर देंगे?
अगर फॉर्म अच्छा नहीं हुआ था मोस्टली नहीं मतलब करेंगे, आपका यही कहना कि केएलएल का फॉर्म अच्छा ही नहीं होने वाला। देखिए ऐसा नहीं कहना है मेरा, लेकिन मोस्टली नहीं होंगे ड्रॉप मुझे लगता है केएलएल, क्योंकि रेड बॉल में भी अभी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा किया। अगर विराट अभी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में विराट कोहली रोहित शर्मा केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहे होंगे, पर रोहित शर्मा का बिल्कुल अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा, तो क्या रोहित शर्मा को स्ट्रेटेजिक मूव के लिए केएल राहुल किसी के जगह बदलेंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। तो यही वाइस कैप्टन को नहीं बदलते कोई टीम में बिल्कुल, लेकिन अगर देखते ठीक है केएल में भी मेरे ख्याल से कैप्टन रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन केएल राहुल, लेकिन एक ऑप्शन मैंने देखा था की तो जगह ही नहीं है टीम में, एक ऑप्शन देखा था कि जसप्रीत बुमराह का भी नाम आ रहा था, और नहीं बनेंगे बिल्कुल नहीं बनेंगे, और उनका तो तीनों फॉर्मेट में उनको उनका स्पॉट फिक्स ही है, लेकिन मुझे लगता है इतना वो लीडरशिप ग्रुप में नहीं आते मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है शायद वो नहीं बनेंगे, और मुझे लगता है केएल राहुल ही बनेंगे, क्योंकि अभी वो ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज थी उसमें भी वाइट बॉल में वो वाइस कैप्टन थे, तो उधर भी श्रेयस अय्यर को बना सकते थे तो नहीं बनाया बिल्कुल, इसलिए मैं बता रहा हूँ एंड कर देते हैं बिल्कुल। मैं बस एक बार लास्ट बार में बता दूं, मेरे साइड से कैप्टन रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन केएल राहुल, मेरे साइड से भी सेम ही है, मेरे साइड से भी सेम ही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ये वीडियो शेयर भी कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू थैंक यू।